हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज बिरयानी की रेसिपी, बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में। आज हम इसे प्रिपेयर करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसी तरीके से इसे घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप देखिए, बहुत ही अच्छी बनी है, ये बिल्कुल खिली खिली बनी हुई है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी के साथ। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप सिंपल वेज बिरयानी की रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी को। और आज मैं इसे बनाने वाली हूँ विदाउट एनी फूड कलर ऐड किए हुए, विदाउट एनी रोगन ऐड किए हुए। तो आप देखिए, बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करिएगा। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए फटाफट हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है दावत का सुपर बासमती राइस। तो आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करें, जिससे बिरयानी बनती हो। तो यहाँ मैं 2 कटोरी चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी चावल लिया है। इसे अच्छे तरीके से साफ़ करके इसे धो लेंगे हम। धोने के बाद थोड़ी देर इसे हम रेस्ट करने छोड़ देंगे। उसके बाद पानी को उबालेंगे। पानी को उबलने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। तो चावल को आपको बिल्कुल 85% कुक कर लेना है, या तो 90% कुक हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जेन्युइन सब चीज़ें जो दिखने में होती वैसी होती नहीं है। तो आप चावल को अच्छी तरीके से कुक करेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही सॉफ्ट एंड हेल्दी बनेगी। तो यहाँ मैंने उबलते हुए पानी में चावल को ऐड कर दिया है। और सबसे पहले हम चावल को पका लेंगे। चावल में मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है ताकि चावल एक दूसरे से चिपके नहीं। साथ ही हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि चावल में भी नमकीन टेस्ट आ जाए थोड़ा सा। उसे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बिरयानी बनकर तैयार होगी आपकी बिरयानी, तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट खाने में। तो ये देखिए, हाफ कुक हो चुका है ये। तो चलिए हम सब्जियों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है फूल गोभी, गाजर, फ्रेश बीन, हरी मिर्च, अदरक, एक छोटा सा प्याज कटा हुआ, 2 हाफ बॉयल आलू, ये ऑप्शनल है, 1 बड़े साइज़ का प्याज पीसा हुआ, 2 बड़ा साइज़ का प्याज, टमाटर की प्यूरी। तो ये इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम चावल को कुक करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, चावल बन चुका है, पानी हमने निकाल दिया था। और इसे अब हम ढक कर रख देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म किया है। इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ऑयल को गर्म होने का थोड़ा हम वेट करेंगे। तो मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो ये देखिए, लगभग हो चुका है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सहजीरा और थोड़ी सी दालचीनी। गर्म मसाले की मात्रा मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है, आपने देखा होगा। साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, क्योंकि गरम मसाला अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बिरयानी मसाला में भी गरम मसाले की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये मसाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गरम। तो प्याज को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ बॉयल किए हुए आलू को, ताकि इसे हमें फ्राई करना है। आलू पर ही थोड़ा सा हल्दी हम डाल देंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। इसे अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। साथ ही हमारा प्याज भी ब्राउन हो रहा है। तो आलू लगभग हो चुका है, तो सबसे पहले हम आलू को निकाल लेते हैं। उधर प्याज भी ब्राउन हो चुका है, तो सबसे पहले हम आलू को निकाल लेते हैं। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ प्याज सबसे पहले। तो यहाँ मैंने पिसा हुआ प्याज ऐड कर दिया है और इसे भुनेंगे। प्याज कच्चा है तो ध्यान रहे इसे थोड़ा देर भूने आप। साथ ही 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो प्याज की प्योरी के साथ ही इसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ देखिए, थोड़ा पकने के बाद इसमें मेल्ट करेंगे हल्दी 1/2 छोटा चम्मच और अच्छी तरीके से पकाएंगे। साथ ही नमक ऐड करेंगे। तो नमक यहाँ मैंने इकट्ठा डाल दिया है सब्जियों के लिए भी, आपको अंदाज़ा ना रहे तो आप सब्जियों को ऐड करने के बाद डालिएगा। और अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम टमाटर की प्यूरी को ऐड कर देंगे
और इसके साथ ही हम 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर प्यूरी के साथ ही मसालों को फ्राई करेंगे जब तक कि ऑयल अच्छी तरीके से सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ लगभग टमाटर भी पक चुके हैं, तो आप अच्छी तरीके से मसालों को भून लें सबसे पहले, क्योंकि अगर मसाले का कच्चापन रह जाएगा तो फिर बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप देख पा रहे होंगे ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ हम 1 by 1 करके सब्जियों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो सब्जी लेट से पकती है उसे ऐड करेंगे। फ्रेश बीन और गाजर को हमने ऐड कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है पकने में। तो 2 मिनट के लिए इसे हम सॉफ्ट करेंगे मसालों के साथ। सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो आप ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, फ्रेश बीन और गाजर दोनों मसालों के साथ पक चुके हैं थोड़ा सा। तो इस कंडीशन में हम हरी मिर्च, अदरक और गोभी को ऐड करेंगे और साथ ही फ्राई करेंगे। तो इसे 1 मिनट के लिए ढककर हम छोड़ देते हैं ताकि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए गोभी, बहुत ज़्यादा देर हमें पकाना नहीं है। तो ये देखिए सारी सब्जियां अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच दही। तो यहाँ मैं दही ऐड कर दे रही हूँ और दही के साथ हम इसे फ्राई करेंगे। जब तक कि दही अच्छी तरीके से पक ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए ये लगभग रेडी हो चुका है। अब इस कंडीशन में हम 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और उसके साथ हम थोड़ा इसे फ्राई करेंगे। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसे हम एक स्टीम दे देंगे, हाँ आधे मिनट के लिए, ताकि बिरयानी मसाले की जो खुशबू है वो सब्जी के अंदर चली जाए। आपको बिरयानी मसाला की मात्रा अधिक अच्छी लगती हो तो आप उसे ऐड कर दें और मात्रा में। मैंने 2 कटोरी चावल लिया था इसलिए 2 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला को ऐड किया है। तो ये देखिए सब्जी बन पक कर बिल्कुल रेडी हो चुकी है जैसा हमें चाहिए होगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आज बिरयानी को हम कुकर में बनाएंगे। तो कुकर को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, साथ ही इसमें हल्का सा ऑयल नीचे डाला है। चावल डालेंगे 1 परत, ऊपर से भुने हुए सब्जियों का परत हम डालेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सब्जियों के ऊपर से फिर से चावल का 1 परत डालेंगे, उसके ऊपर से फ्राई किए हुए आलू को हम ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, हम सब अंडे नहीं खाते तो इसकी वजह से हमने आलू डाला है। इसके ऊपर से फिर सब्जी फैलाएंगे और फिर से चावल की 1 लेयर देंगे। इसके बाद फ्राई किए हुए ऑनियन को डालेंगे, प्याज को, प्याज आप अंदर भी ऐड कर सकते हैं बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1/2 कप दूध डालेंगे। चावल अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो आप 1 कप दूध डालें। तो 1/2 कप से ऊपर ही कुछ मैंने दूध डाला है। अब 1 whistle, 1/2 whistle हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ मैंने पका लिया है इसे। अब चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं बिरयानी कैसी बनी है। तो ये देखिए ये पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए बड़े बर्तन में हम इसे निकाल लेते हैं और मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको पूरा कंप्लीट निकाल के कि इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। सबसे पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो आपने देखा ना, मैंने इसमें ना रोगन का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी फूड कलर का, लेकिन आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सब्जियाँ और बिरयानी राइस वगैरह अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, इसके ऊपर धनिया पत्ता डालें और ये देखिए बिरयानी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मैं आप लोगों के साथ फिर एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।